वेलकम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 ए, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। प्रीतम एंड नरेश डिसाइड टू डिजोल्व देयर फॉर्म ऑन 30th सितंबर 2018 एंड देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। अब देखो, बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू सन्ड्री एसेट्स जो लिखते हैं ना, स्टॉक इन ट्रेड, बी आर, सन्ड्री डेटर्स 45,000, प्रोविजन देखो बाई में दिखा देंगे, फर्नीचर के बाद हम प्लांट मशीनरी दिखाएंगे, गुडविल दिखाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसिस दिखाएंगे। ये एक्सरसाइज के पॉइंट थे। अब जो ऊपर कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश एट बैंक को देखो बैंक अकाउंट में दिखाएंगे टू बैलेंस बी, ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बी डी प्रीतम का और नरेश का दिखाएंगे, और इसके बाद देखिए हम लोन अकाउंट बनाएंगे नरेश का बाई बैलेंस बी डी और बाई सेंडरी क्रेडिटर्स बाई आउटस्टैंडिंग, बाई सेंडरी क्रेडिटर्स और बाई आउटस्टैंडिंग रेंट। एसेस रिलाइज स्टॉक बी आर, देखिए बाई बैंक अकाउंट स्टॉक बी आर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सेंडरी डेटर्स 10% लेस है, यह आपने इसमें दिखा दिया बाई बैंक में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 5% लेस भी पेमेंट कर दिया आपने। प्रीतम अपनी वाइफ का पेमेंट करेगा लोन का, तो टू प्रीतम्स कैपिटल वाइफ लोन 10,000 रुपये। नरेश आउटस्टैंडिंग रेंट की पेमेंट करेगा, टू नरेश कैपिटल आउटस्टैंडिंग रेंट। एक्सपेंसेस 800 दे रखे हैं, टू बैंक में दिखाएंगे। रियलाइजेशन का लॉस निकालेंगे, 2:1 में इनको डिवाइड कर देंगे। जो लोन अकाउंट है ना उसमें उसकी पेमेंट कर देंगे नरेश के, टू बैंक, ठीक है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में देखो बाई बैलेंस बी डी लिखा, बाई रियलाइजेशन जो प्रीतम और नरेश ने लाइबिलिटी की पेमेंट की थी, टू रियलाइजेशन लॉस, बाकी टू बैंक फाइनल पेमेंट निकाल लेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बी डी गिवन है, टू रियलाइजेशन जो एसेस्ट रियलाइज की थी आपने, जो आपने एसेस्ट रियलाइज की थी वो दिखानी है, बाई रियलाइजेशन जो लाइबिलिटी की पेमेंट की थी आपने, बाई नरेश लोन, बाई प्रीतम्स कैपिटल, बाई नरेश कैपिटल, और दोनों का टोटल क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में मिस रीता चौधरी एंड मिस शोभा पार्टनर हैं इक्वल, और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है और इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। तो देखिए जो बैंक का बैलेंस है, बैंक अकाउंट में दिखा देंगे टू बैलेंस बी डी, टू सन्ड्री एसेट्स में स्टॉक, बुक डेब्ट्स, बाई प्रोविजन, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाई बी पी, बाई मिस्टर चौधरी लोन, रिजर्व फंड, और जो कैपिटल है बाई बैलेंस बी डी बाई रिजर्व फंड, इक्वल बांट देंगे। इसके बाद देखिए मिस रीता चौधरी अंडर टू मिस्टर चौधरी लोन, तो देखिए टू मिस आर चौधरी हस्बैंड लोन 15,000 की पेमेंट करेंगे, और आधा स्टॉक 20% लेस पर, तो बाई मिस चौधरी, अब स्टॉक है 75,000 का, 75,000 का आधा हो गया 37,500, उसमें 20% लेस कर दो, 30,000 बचेगा बाई स्टॉक। इसके बाद बुक डेब्ट्स रिलाइज बाई बैंक में, बुक डेब्ट्स 54,000 रुपये, आधा स्टॉक, अब जो आधा बच गया 37,500 उसमें 30% ऐड करना है, 48,750 आएगा बाई बैंक में। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10% लेस पर पेमेंट कर देंगे टू बैंक में, बीपी की पूरी पेमेंट कर देंगे टू बैंक में। इसके बाद मिस रीता चौधरी ने ये प्लांट और मशीनरी लाई हुई है 75,000 की बाई प्लांट एंड मशीनरी बाई बैंक में, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 रुपये। रीता चौधरी ने गुडविल ली है बाई मिसिज रीता चौधरी गुडविल, इसी में ऐड कर देंगे इसके साथ। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,250 टू बैंक में दिखा देंगे, प्रॉफिट निकालेंगे 1,32,000 इक्वल बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बी डी गिवन था, बाई रिजर्व फंड इक्वल रेशियो में बांट दिया, बाई रियलाइजेशन जो आपने ये हस्बैंड लोन इसका मिस चौधरी का कि मतलब हस्बैंड लोन पे किया था, बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट, टू रियलाइजेशन जो मिस आर चौधरी ने गुडविल और आधा स्टॉक लिया था, बाकी टू बैंक फाइनल पेमेंट निकाल लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे,
बैंक अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस बीडी गिवन है, टू रियलाइजेशन एसेट्स बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी बाय मिसिज आर चौधरी बाय मिसिज सो, और लास्ट में टोटल क्या करेंगे, ये अपने स्टॉक जो आधा स्टॉक 20% लेस पे, आधा स्टॉक 30% प्रॉफिट पर, उनकी कैलकुलेशन हैं। ये दो क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में सॉल्व करें।